तो भाई लोग आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डीजे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम कितने वाट के स्पीकर के साथ स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए, या फिर हम यूँ कहें कि हम स्पीकर अगर हैवी स्पीकर लेंगे तो हमारा जो सेटअप रहेगा वो काफ़ी हैवी बन जाए और यहाँ पर आपका जो पैसा है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर यूज़ हो सके उस सेटअप में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आहूजा का स्पीकर, आहूजा का एम्पलीफायर, जैसे कि भाई का कमेंट था, आप यहाँ पर कमेंट भी देख सकते हैं। सो उनका कमेंट यह है कि आहूजा का स्पीकर के साथ यहाँ पर दो टॉप बनाना है और न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है डीजे का। तो चलिए हम बात करते हैं कि टॉप का प्राइस कितना पड़ने वाला है, एम्पलीफायर हम कौन सा लेंगे जिसमें कि हम दो बेस भी चला सकें इन फ्यूचर। अगर हम दो बेस और दो टॉप का, फर्स्ट में हम दो टॉप का सेटअप बनाने वाले हैं, उसके बाद हम दो बेस और दो टॉप का बनाएंगे और उसके बाद आपका चार टॉप और चार बेस का सेटअप बन जाएगा और इसी एम्पलीफायर में आपका चलने वाला है। आपका जब चार टॉप और चार बेस बनेगा उसके लिए आपको अलग एम्पलीफायर लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपका जो ये सेटअप बनने वाला है वो काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पैसा जो है वो कितना लग रहा है, तो सारा चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक देखते रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आहूजा के स्पीकर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है L15MB500। इसका प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 8200 रुपये अप्रोक्सीमेटली प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, अभी प्राइस जो है वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है सारा चीज़ में, जैसे कि एम्पलीफायर स्पीकर वगैरह सारा चीज़ में जो है प्राइस अभी बढ़ चुका है। और यहाँ पर स्पीकर जो है वो 500 वाट RMS पावर में रहेगा, 4 इंच वॉइस कॉइल में रहेगा, जो कि मिड और बेस के लिए काफ़ी अच्छा स्पीकर है। तो आप यहाँ पर दो टॉप में काफ़ी अच्छा बुकिंग ले पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्पीकर हमारे पास हो गया, अब इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर टॉप के लिए यहाँ पर HF। तो यहाँ पर हम टॉप में दो HF लगाने वाले हैं, जो कि बजट रेंज में काफ़ी अच्छा HF रहेगा हमारे पास, PRDO का BMD760 HF, जो कि यहाँ पर 110 वाट का HF रहने वाला है PRDO की तरफ से। और यहाँ पर इसका जो प्राइस पड़ने वाला है वो नेटवर्क प्लेट और फ्लेयर के साथ लगभग 6800 रुपये के आसपास में ये आपको कंप्लीट बन जाएगा। अगर आप आहूजा में जाना चाहते हैं तो आहूजा का भी ले सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। आहूजा का प्राइस लगभग 9 से 10 हज़ार के आसपास जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बजट रेंज में और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो यहाँ पर इस HF को आप यूज़ कर सकते हैं, इसका प्राइस 6800 रुपये जाने वाला है नेटवर्क प्लेट फ्लेयर और HF के साथ। तो यहाँ पर दो HF कम्प्लीट आपका बन जाता है यहाँ पर 13600 में, मतलब कि 13600 में आपका दो HF बन जाएगा। और चार स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं, तो चार स्पीकर का जो प्राइस पड़ने वाला है वो 32800 रुपये अप्रोक्स प्राइस, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर HF और यहाँ पर स्पीकर हमारा हो जाता है और हम ले लेते हैं, तो हमें चाहिए दो कैबिनेट। तो यहाँ पर दो कैबिनेट हम ले लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर JBL में V मॉडल में लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं तीन कोने वाला जो कैबिनेट आता है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर JBL का SRX 725 मॉडल यहाँ पर हम कैबिनेट लेंगे, आप ये स्क्वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका V मॉडल रहेगा वो उसमें जो है थ्रो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आप उसको ले सकते हैं। और स्पीकर आपका मिड बेस है, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका बेस कम आएगा, बेस आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है इस स्पीकर में। तो इस स्पीकर के लिए हम इस टाइप का कैबिनेट यूज़ करने वाला है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसका जो प्राइस पड़ने वाला है कैबिनेट का वो 15000 के आसपास जाने वाला है। प्राइस जो है कम ज़्यादा हो सकता है, कैबिनेट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका कैबिनेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसका प्राइस 15000 के आसपास जा सकता है। अच्छा कैबिनेट का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर हम सभी का प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो कंप्लीट दो टॉप का प्राइस पड़ने वाला है 61400 रुपये, और इसके लिए हम एम्पलीफायर लेने वाले हैं आहूजा का LX6000। अब आहूजा का LX6000 क्यों हम एम्पलीफायर ले रहे हैं मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, लेकिन हम पहले इसका प्राइस जान लेते हैं और हम इसको कैसे चलाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर LX6000 का जो प्राइस पड़ने वाला है वो अभी के डेट में प्राइस जो है वो आपको 61000 के आसपास जाने वाला है, प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए स्टेबलाइजर हम एक लेने वाले हैं, जो कि 7 KVA का रहेगा। यहाँ पर 7 KVA का स्टेबलाइजर हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि हम गांव में या फिर कहीं भी जाते हैं, कोई घर में यहाँ पर अगर हम लेते हैं विदाउट जनरेटर के साथ बुकिंग, या फिर जैसे कि आप जानते हैं दो टॉप अगर कहीं भी जाता है बर्थडे या फिर कोई भी चीज़ में, मतलब छोटे मोटे पार्टी या कोई फंक्शन में,
तो यहाँ पर जनरेटर कम चांस है कि यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर स्टेबलाइजर के साथ जैसे कि लाइट में अगर हम चलाते हैं, मतलब करंट से चलाना चाहते हैं, घर के लाइन से चलाना चाहते हैं, तो आपके पास स्टेबलाइजर जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको स्टार्टिंग में स्टेबलाइजर आप यूज़ करें, जनरेटर के साथ जो है वो आप डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन आप स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेटर रहता है। तो स्टेबलाइजर 7 kVA का हम लेने वाले हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सके और कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर 7 kVA का स्टेबलाइजर का जो प्राइस पड़ने वाला है वो 12,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजर मार्केट में आप बनवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपको चाहिए मिक्सर, केबल, वायर, सारा चीज़ चाहिए, स्पीकन, सॉकेट, यहाँ पर जैक पिन चाहिए। तो इन सभी का प्राइस जो है मैं वीडियो में ऐड नहीं किया हूँ। आप यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको जितना लंबा केबल चाहिए, आपको क्या क्या केबल यहाँ पर लेना है, वो आप अपने मार्केट में पता करके, मतलब आप जहाँ लेते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे। आपको कितना लंबा वायर लेना है वो भी आपको दे देंगे। प्राइस जो है वो आपको वायर के ऊपर डिपेंड करता है। और मिक्सर आप यहाँ पर छोटा मिक्सर भी ले सकते हैं, जो कि आपको 3,000 से 4,000 में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मिक्सर के बारे में बात नहीं करेंगे, आप जो भी मिक्सर लेते हैं वो आप ले सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर अगर हम टोटल प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो 1,34,400 रुपये के आसपास जाने वाला है, मतलब अप्रोक्स हम 1,35,000 के आसपास पकड़ के चलते हैं, बिना मिक्सर, बिना केबल, बिना कुछ के। मतलब आपका 2 टॉप रहेगा और 1 एम्पलीफायर रहेगा, 1 स्टेबलाइजर रहेगा, मतलब मोटा मोटा सामान आपका 3 यहाँ पर सामान होने वाला है, टॉप, स्टेबलाइजर और एम्पलीफायर। 1,35,000 के आसपास जाने वाला है अप्रोक्स प्राइस, कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको चलाएंगे कैसे। अगर हम इन फ्यूचर बेस लेना चाहते हैं तो बेस के लिए हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो टॉप रहेगा उसको चलाना है चैनल 1 में। तो यहाँ पर चैनल 1 में आपको 2 टॉप चलाना है और चैनल 2 जो आपका रहेगा उसको बंद करके रखना है, कोई भी यहाँ पर आपको साउंड उसको नहीं खोलना है। तो आप चैनल 1 को ही आप यूज़ करें, मतलब इसमें 2 टॉप यूज़ करें जो कि 2 ओम्स के ऊपर वर्क करेगा और आपको साउंड काफ़ी अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि आपको एम्पलीफायर का जो क्लिपिंग लाइट है वहाँ तक आपको नहीं जाना है, आपको मीडियम साउंड तक ही चलाना है। कहने का मतलब आप यहाँ पर 70 से 80% के साउंड में आप चलाइए, उससे ऊपर के साउंड में मत चलाइए, आपको उतना में ही काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा बेस भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम बेस लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस कितना जाने वाला है और यहाँ पर हमारा कनेक्शन कैसे रहेगा। तो अगर आप बेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1,000 वाट का 2 बेस यूज़ करें, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैचिंग रहेगा और इसी एम्पलीफायर में चला सकते हैं, इसी स्टेबलाइजर में चला सकते हैं, कोई भी यहाँ पर और भी यहाँ पर बड़ा स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो आपका पैसा लग रहा है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे जगह में लगेगा, मतलब कि यहाँ पर फालतू चीज़ में नहीं लगने वाला है। जितना भी अभी आप फर्स्ट टाइम खर्चा करेंगे आपको सेकेंड टाइम कम खर्चा करना पड़ेगा। तो इस टाइप से अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2 बेस रहेगा, 1,000 वाट का रहेगा। अगर आप आहूजा में जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपका जो प्राइस जाने वाला है वो लगभग 45,000 के आसपास जाने वाला है 2 बेस के ऊपर, और काफ़ी अच्छा बेस आपका बन जाएगा आहूजा का 1,000 वाट का स्पीकर के साथ। आपका यहाँ पर 45,000 के आसपास में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर 45,000 में आपका 2 बेस बन जाता है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका अमाउंट जो है या फिर कॉस्ट जो है वो कितना तक जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बेस ले लेते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास बुकिंग ज़्यादा आता है या फिर कस्टमर का डिमांड आता है कि 2 बेस हमें और चाहिए, मतलब 2 बेस और 2 टॉप का सेटअप चाहिए, तो आप यहाँ पर ले लेते हैं तो आपका जो प्राइस पड़ने वाला है वो 45,000 के आसपास तो पड़ ही जाएगा, मतलब इसका और प्लस आप मान लीजिए। और यहाँ पर इसका जो कनेक्शन होने वाला है वो आपको सिंपली जैसे आप 2 टॉप कनेक्शन करते हैं आपको वैसे ही करना है। चैनल 1 में आपको 2 टॉप चलाना है और चैनल 2 में आपको 2 बेस चलाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, बाद बाकी सारा चीज़ जो कनेक्शन है वो सेम टू सेम रहेगा। स्टेबलाइजर भी आपको वही यूज़ करना है, आपको बड़ा स्टेबलाइजर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 4 टॉप और 4 बेस बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो अगर आप 4 टॉप और 4 बेस बनाना चाहते हैं तो आप इसी एम्पलीफायर में 4 बेस चलाइए और या फिर 4 टॉप चला सकते हैं। और दूसरा एम्पलीफायर आप जब लेते हैं तो आप इसी टाइप के एम्पलीफायर ले सकते हैं। जैसे कि आप आहूजा का एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो LXA 6000 ले सकते हैं, जो कि इस एम्पलीफायर में आप 4 टॉप चलाएंगे
और दूसरे वाले एम्पलीफायर में आप चार बेस चलाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको एम्पलीफायर लेना है, सेम टू सेम एम्पलीफायर, आपको दो एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। और वही आपको यहाँ पर एलेक्सा 6000 के लिए एक और स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पर सेम टू सेम आपका सारा चीज केबल वही लेना पड़ेगा फिर से आपको, जितना आपका यहाँ पर केबल लग रहा है, स्पीकर वगैरह और वायर वगैरह सारा चीज आपको लेना पड़ेगा। तो उस टाइप से आप सारा कॉस्ट यहाँ पर जो है आप ऐड कर सकते हैं, आपका जो प्राइस है वो कितना जाने वाला है मतलब फ्यूचर तक। तो फिलहाल तो अभी का प्राइस लगभग 1,35,000 के आसपास में आपको काफ़ी अच्छा सेटअप बन जाएगा। अगर आप इसी में दो बेस और ऐड करना चाहते हैं तो आपका प्राइस लगभग 1,90,000 के आसपास में पड़ जाता है। और मिक्सर और सारा चीज़ केबल को मिला करके हम समथिंग 2,00,000 के आसपास हम ले कर चलते हैं अगर आप दो बेस और दो टॉप का सेटअप बनाते हैं तो स्टेबलाइजर के साथ। तो बात करते हैं यहाँ पर फाइनली प्राइस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ लगभग दो बेस और दो टॉप का सेटअप अगर बनाना चाहते हैं तो 2,00,000 के आसपास जाने वाला है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दो बेस और दो टॉप के साथ ही स्टार्टिंग करें, जिससे कि आपका कस्टमर भी काफ़ी अच्छा खुश रह सके। मतलब कि कहीं भी अगर आप बजाते हैं तो आपका बेस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, थ्रो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपको कुछ पैसा भी काफ़ी अच्छा मिल सकेगा। तो आप इस टाइप से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 45,000 के आसपास और भी इन्वेस्ट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा और आपके सेटअप के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर 2,00,000 के आसपास में इस टाइप का सेटअप बना सकते हैं, दो बेस दो टॉप जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक छोटा सा मिक्सर जो कि लगभग 3,000-3,500 के आसपास में मिल जाएगा, जो कि स्टेंजर का SM6 ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा मिक्सर है, और 6 चल का मिक्सर है, आप यहां पर दो बेस और दो टॉप के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो है वो यहां पर रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप दो बेस और दो टॉप का सेटअप से ही स्टार्टिंग करें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सके। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल में शेयर कर लें, क्योंकि आपको डीजल बहुत सारे वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।